नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने इंसुलिन का प्लांट लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों ये जो पौधा आप देख रहे हो, ये पत्ता देख रहे हो, इसे इंसुलिन प्लांट के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसे केहू कंद भी कहते हैं। दोस्तों इसमें करीबन 4 प्रजाति होते हैं और 2 प्रजाति जंगली होते हैं और 2 घरेलू होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये घरेलू प्रजाति है, ये घरों में आंगन में लगाया जाता है। दोस्तों यह केहू कंद इंसुलिन प्लांट को घर के आंगन में लगाया जाता है 100 के लिए, लेकिन लगाने वाला खुद भी ये नहीं जानता है कि यह प्लांट किस किस बीमारी के लिए बेनिफिट है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसके फायदे के बारे में बताऊंगा कि यह केहू कंद इंसुलिन प्लांट बहुत ही फायदेमंद औषधि है शुगर वालों के लिए। दोस्तों यह इंसुलिन प्लांट जो है टाइप 1 टाइप 2 दोनों प्रकार के शुगर में इस्तेमाल होने वाला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का औषधि है। तो दोस्तों अगर आपको शुगर डायबिटीज है, आप बहुत परेशान हो, इंसुलिन का इंजेक्शन पर डे लेते हैं, तो अब आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये इंसुलिन प्लांट आप अपने घर ले आइए, लगाइए और बस 2 पत्ते को पीसना है और इसका रस निकालना है। रस निकालने के बाद सुबह खाली पेट आपको पीना है। तो दोस्तों देख लीजिए, पहचान लीजिए। दोस्तों इसके 4 प्रजाति होते, चारों को फूल अलग अलग होता है। एक सफेद फूल वाला होता है, एक पीला फूल वाला होता है, एक बैंगनी फूल और एक लाल फूल का होता है। जो लाल और बैंगनी फूल होता है वह जंगली माना जाता है और जो सफेद फूल वाला होता है वह घरेलू प्लांट माना जाता है। इसमें 2 प्रकार का प्लांट होता है। दोस्तों इसके फूल तो है नहीं, आपको मैं दिखा देता है, इसके फूल गुच्छों में लगते हैं। तो दोस्तों आप इस पौधे को अपने घर आंगन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों खाने का पीने का तरीका एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। इस तरह से 2 पत्ते लेकर इसे धोकर पानी में फ्रेश कर लीजिए। फ्रेश करने के बाद 1 गिलास पानी में ये 2 पत्ते को मिक्सर के अंदर डालकर ग्राइंडर करना है। ग्राइंडर करने के बाद जो उसका जूस निकलेगा उस जूस को सुबह खाली पेट आपको प्रतिदिन पीना है, पर डे पीना है, करीबन 1 महीना। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो 1 महीने के अंदर आपको इंसुलिन की इंजेक्शन लगवाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और हो सकता है तो आपका डायबिटीज जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। दोस्तों यह केहू प्लांट या केहू का पौधा जो है अर्थराइटिस के दर्द में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए इस पौधे में गांठ गांठ आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से दोस्तों यह गांठ गांठ दिखाई दे रहा है उसी तरीके से यह गांठों की बीमारी में भी काफी उपयोगी है। अगर किसी को गठिया का दर्द है तो इस गांठदार जड़ी बूटी का इस्तेमाल वह कर सकता है। दोस्तों अर्थराइटिस और गठिया वालों के लिए करना यह है, करीबन इसके 10 ग्राम चूर्ण को लेकर 1 गिलास पानी में पकाना है। पकते पकते जब 3 हिस्सा पानी जलकर खत्म हो जाए, बच जाए 1 हिस्सा, तो उस 1 हिस्से पानी को आपको पीना है। तो अगर आप ऐसा 10-15 दिन करते हैं तो आपको गठिया सांधीवात के दर्द में आराम मिलने लगेगा। और दोस्तों ये केहू प्लांट एंड इंसुलिन प्लांट के और भी फायदे हैं। अगर किसी को घाव है, त्वचा रोग है, तो इसके पत्ते को पीस कर डायरेक्ट पेस्ट या चटनी बनाकर उस त्वचा रोग पे आप इसका लेपन कीजिए, लेप कीजिए, लगाइए, बिल्कुल त्वचा रोग धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा करीबन 1 महीने के अंदर। तो दोस्तों देख लीजिए इस प्लांट, इस पौधे को तो हर कोई जानता है, पहचानता है, क्योंकि यह घरेलू पौधा माना जाता है। घरेलू पौधा आप इसे अपने घर के आंगन में गमला में लगा सकते हैं और जरूरत पड़ने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जहां हजारों रुपया आप अपने इलाज में बर्बाद करते हैं, मात्र कुछ मेहनत में ही आप अपने बहुत सारे पैसे को बचा लेंगे और अपने बीमारी शरीर से निकाल कर बाहर कर देंगे।